हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर आज जो मैंने पॉइंट शामिल किए हैं वह है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद इसका प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम होता है, एक ग्राफ होता है उसको समझाऊंगा, और प्रेशर और टेम्परेचर का भी एक ग्राफ होता है उसको भी मैं समझाऊंगा। इसके बाद इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन निकलता है उसको भी निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई कितनी करते हैं उसको अभी फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद हीट सप्लाई करने के बाद जो उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है उसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद हम चेंज इन एंथैल्पी का भी फॉर्मूला आज निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, यह सब आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो में डाल चुका हूँ, वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा टॉपिक लिखा कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको एक नाम से और जानते हैं, उसे बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। सबसे पहले इस टॉपिक जो लिखा है उसी को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है पूरी प्रोसेस के दौरान एक जैसा। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की। तो पूरी प्रोसेस के दौरान हम प्रेशर को कैसा रखेंगे, एक समान मतलब कांस्टेंट रखेंगे। तो इस कांस्टेंट प्रेशर के दौरान क्या क्या हमारे परिवर्तन होंगे पूरी प्रोसेस में, वह सब हम समझने वाले हैं और उसके फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे। तो जैसा कि हमने हर बार बताया कि हमेशा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिलेंडर, पिस्टन और गैस का। तो यहाँ पर भी उसी तरह का एक एग्जाम्पल लिया है हमने। मान लिया ये हमारा क्या एक सिस्टम है जो क्या है, एक सिलेंडर है। उस सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, और ऊपर क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पर हमने डब्ल्यू पी लिखा है, इसका मतलब है पिस्टन का खुद का जो वेट है, ये क्या है, पिस्टन का खुद का वेट है। अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्या है, इसकी जो बाहर से जो क्लोज होता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री के बाहर का एरिया क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। यहाँ पर जो पिस्टन है वो सिलेंडर है। अब यहाँ पर हमने क्या की, क्यू। क्यू क्या है, हीट का सिंबल है। हीट सप्लाई की हमने गैस को, कहाँ से, सराउंडिंग से। सराउंडिंग से जब हमने सिस्टम को क्यू हीट सप्लाई की तो गैस में क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो गैस कैसी होगी, एक्सपेंड होगी। जब गैस एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, जो पिस्टन है वह ऊपर की तरफ मूव करेगी। जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगी तो इसका वेट क्या होगा, कम होने लगेगा। तो इसका वेट जब कम होगा तो क्या होगी, फिर तो वह जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं कहलाएगी। तो हमें क्या करना, पूरी प्रोसेस के दौरान वन से टू के दौरान हमें क्या रखना है, जो वेट है पिस्टन का उसको कैसा रखना, कांस्टेंट रखना। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर को बढ़ती है तो जितना वेट कम होता है उतना ही हम वेट कहाँ, ऊपर से एक्स्ट्रा वेट लगा देते हैं। ऐसे ही फिर से ऊपर बढ़ेगी थोड़ी सी तो फिर से हम वेट एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो ये डब्ल्यू दिख रहा है, इसका मतलब डेड वेट है। डेड वेट का मतलब हमने कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए हमने एक्स्ट्रा वेट लगाया हुआ है, क्योंकि इसका डब्ल्यू पी खुद का वेट है। जब स्टार्टिंग में प्रोसेस वन पे है, स्टेट वन पर है, तो हमारा इसका खुद का वेट है। जैसे ही गैस एक्सपेंड होगी ऊपर की ओर तो इसका वेट, जो हमारी पिस्टन है उसका वेट कम होने लगेगा। तो जितना कम होगा उसकी पूर्ति के लिए हम एक्स्ट्रा बाहर से वेट लगा देते हैं, जिससे कि वह प्रोसेस पूरी कैसी हो, कॉन्स्टेंट वेट पर हो, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो। कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पिस्टन है यहाँ पर जो वेट लगा रहा है उसका वेट किस पे, गैस पर लग रहा है। जो गैस है उस पर प्रेशर लग रहा है, तो जो गैस पर प्रेशर लगेगा वह पूरी प्रोसेस के दौरान टू तक, स्टेट टू तक जाएंगे, कंटिन्यू कैसा रहे, कांस्टेंट प्रेशर रहे। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर एक पॉइंट पर एक्स्ट्रा वेट इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे कि उस टाइम जो प्रोसेस हो कैसी हो, कॉन्स्टेंट हो। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया कि हम जैसे पॉइंट वन पर है इससे थोड़े ऊपर बढ़ेंगे तो वेट कम होगा, हमने एक्स्ट्रा वेट लगा दिया। ऐसे पॉइंट टू पर पहुंचेंगे, थोड़े और ऊपर पहुंचेंगे तो फिर से वेट बढ़ा देंगे, फिर ऊपर पहुंचेंगे फिर से वेट बढ़ा देंगे। ये वेट बढ़ाने का मतलब है हमारा कि जो गैस के ऊपर प्रेशर है वह कंटिन्यू कांस्टेंट रहे इस वन से और टू तक। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट प्रेशर हम कैसे रखेंगे पूरी प्रोसेस के दौरान। अब फ्रेंड्स, इसका हम क्या समझेंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो वर्टिकल लाइन है उस पर हमने क्या शो कराया, प्रेशर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर वॉल्यूम शो कराया। इसमें क्या हो रहा फ्रेंड्स, इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा, जैसे हमने हीट दी तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ,
जब पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ी तो क्या वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर कैसा रहा? कांस्टेंट। तो जो प्रेशर इस पर दिख रहा है, जो पॉइंट वन पर है प्रेशर, वही पॉइंट टू पर होगा। तो हमने क्या किया, इस लाइन पे शो करा दिया कि यहाँ पर मैंने मान लिया जो अभी स्टार्टिंग की कंडीशन में प्रेशर वन है, और जब टू पर भी पहुंच जाएंगे तो भी प्रेशर क्या होगा, वन ही होगा। मतलब पी वन और पी टू कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन जब ऊपर की ओर बढ़ेगा पिस्टन तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पॉइंट हमने यहाँ पर जो वन दिख रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम मान लिया वी वन है, और जब टू पर पहुंचे तो वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने, वी टू है। तो ऐसा मान लिया, अब हमें ये पॉइंट निकालना है, तो इस पॉइंट को इधर ले गए, वी वन को ऊपर की ओर ले गए, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करा है वह पॉइंट क्या हो गया, वन। कौन सा वाला, ए वाला। इस तरह वी टू से ऊपर की ओर गए, प्रेशर से इधर की ओर आए, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर हुए, यहाँ पर हुए। तो फिर वन और टू को मिला दिया, तो प्रोसेस वन से टू प्रोसेस यहाँ पर दिख रही होगी, जो क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस का डायग्राम। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा होगा ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा है, एरो कहाँ दिख रहा है, वॉल्यूम की ओर बढ़ते हुए, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं गैस के अंदर। तो इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है, उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। तो प्रेशर इस जो हमारी वर्टिकल लाइन है उस पर शो करा रहा है, टेम्परेचर हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर शो करा रहे हैं। तो प्रेशर जब कॉन्स्टेंट है तो पी वन इस पॉइंट पर और ये जो पॉइंट है दोनों पर प्रेशर कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। तो हमने यहाँ पर शो करा दिया, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वन पॉइंट पर टेम्परेचर जो भी था जहाँ हमने गैस को हीट सप्लाई की, तो टेम्परेचर इंक्रीज होकर क्या हो गया, टी टू हो गया। तो ये यहाँ पर शो करा दिया। तो हमने देखे पी वन से हम इधर की ओर जाएंगे, टी वन से ऊपर की ओर जाएंगे, तो इंटरसेक्ट कराएगा दोनों, तो स्टेट वन का पॉइंट हो जाएगा। इस तरह टी टू से ऊपर की ओर जाएंगे और पी टू से हम इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन में चलेंगे, तो वहां पर पॉइंट टू पर इंटरसेक्ट कराएगा, वह हो गया स्टेट टू का पॉइंट। दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एरो के थ्रू कि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कॉन्स्टेंट है। ये प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम हो गया। अब फ्रेंड्स इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं। डेरिवेशन के अंदर सबसे पहले हम जो हमारा प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशनशिप उसको समझेंगे, उसके बाद इसका वर्क डन निकालेंगे, हीट सप्लाई का फॉर्मूला निकालेंगे, और इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे और एंथैल्पी निकालेंगे। तो इस वन बाई वन निकाल के देखते हैं। सबसे पहले जैसा आपको यहाँ पर पीवी डायग्राम दिख रहा होगा, हमें कुछ डाटा कंसीडर करना होता है। हमने यहाँ पर मान लिया स्टेट वन और टू पर कि प्रेशर पी वन है, वी वन वॉल्यूम है, टी वन टेम्परेचर है, प्रेशर पी टू है पॉइंट टू पर और वॉल्यूम वी टू है, टी टू टेम्परेचर है कहाँ पर, पॉइंट टू पर। इस तरह हमें क्या है, डाटा कंसिडर करना है। इसके बाद फर्स्ट पीवीटी रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हैं। पीवीटी रिलेशनशिप क्या होता है, किसी गैस का लॉ होता है जिसके अंदर हम जानते हैं जो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी। उसको जब दो प्रोसेस हैं, दो स्टेट हैं, तो क्या हो जाएगा, पी वन वी वन इक्वल टू एमआरटी वन और पी टू वी टू इक्वल टू एमआरटी टू। उसको मैं यहाँ पर रख के और कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दिख रही होगी, पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। ये कहाँ से आती है इक्वेशन, जैसे मैं बता चुका हूँ पी वी इक्वल टू एमआरटी होता है। जब स्टेट वन पे होंगे तो पी वन वी वन इक्वल टू एमआरटी वन हो जाएगा, जब स्टेट टू पर होंगे तो पी वन वी वन इक्वल टू एमआरटी टू हो जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो पी वन वी वन अपॉन टी वन हो जाता है इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सी प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो पी वन और वी वन इक्वल है, अगर हम यहाँ पर पी वन की जगह वी टू लिख सकते हैं या फिर पी टू की जगह हम पी वन लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया, पी वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी टू लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर पी टू की जगह पी वन लिख सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पी वन इक्वल टू क्या है, पी टू है। तो हमारे पास बचेगा वी वन अपॉन टी वन और वी टू अपॉन टी टू। तो जो बचेगा उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी वन बचा हुआ। तो ये पीवीटी रिलेशनशिप है। अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात होती है तो वहां पर क्या होता है, वी वन अपॉन टी वन है और वी टू अपॉन टी टू। अब इसका वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स मैं ये वर्क डन का फॉर्मूला निकाल के बता चुका हूँ, इसका डेरिवेशन भी करा चुका हूँ। वर्क डन क्या होता है, हम एक क्या है, एक पाथ फंक्शन है, तो इसलिए हमने वन से टू यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, पॉइंट फंक्शन है, इसलिए यहाँ वी टू माइनस वी वन लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इस पर बेस आते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे, ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो पी वी टू माइनस पी वन पी वी वन हो जाएगा। इसके बाद आगे हम जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी। तो उसी से हम क्या करेंगे, इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और एक फॉर्मूला कंप्लीट निकालेंगे कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ब्रैकेट खोल दिया,
हम जानते हैं गैस इक्वेशन से पीवी वी वन, क्योंकि वी वन वी टू क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है, जो भी परिवर्तन होगा वॉल्यूम के अंदर, इसलिए हमने वी वन और वी टू ले सकते हैं। तो पी वन वी वन इक्वल टू एम आर टी वन और पी टू वी टू इक्वल टू एम आर टी टू। टी और पी क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो पी वन वी वन कुछ भी लिख सकते हैं, पी डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है। अब इसी दोनों के जो पी वन वी वन की जगह हमने क्या एम आर टी वन रख दिया, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, और पी टू वी टू की जगह हमने क्या रख दिया एम आर टी टू रख दिया। यहाँ पर कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे कि ये गलत हो गया तो इसको टू कर देते हैं, ये टी वन है। अब इस पर हमने क्या किया, एम आर इधर भी है और एम आर इधर भी है, दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। एम आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, टी वन माइनस टी टू। तो हमारा वर्कडन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। वर्कडन क्या है, मैंने बताया पाथ फंक्शन है, इसलिए इसको नीचे वन से टू लिखेंगे, और टेम्परेचर क्या है, पॉइंट फंक्शन है, इसलिए हमने टी वन और माइनस टी टू लिखा हुआ है। ये वर्कडन का फॉर्मूला हो गया, इसका यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकल आएगा कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे। अब नेक्स्ट इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, उसको भी निकाल के देखते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जैसा मैं बता चुका हूँ पिछली बार भी, इस सभी प्रोसेस के लिए एक समान आएगा, U2 माइनस U1। ये क्या होगा, जो भी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बाहर से गैस के अंदर, इंटरनल एनर्जी क्या होता है मैं बता चुका हूँ कि जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है वह क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। उसके अंदर जो परिवर्तन आता है उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको डेल यू आपको लिखा मिल जाएगा जगह जगह, लेकिन डेल यू का मतलब होता है यू टू माइनस यू वन। ऐसे एम सी बी टी टू माइनस टी वन लिखा हुआ है, एम क्या है गैस का मास, सी बी क्या है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, टी टू टी वन क्या है टेम्परेचर पॉइंट वन पर और टू पर। अब इसके बाद हम निकालेंगे कितनी हीट सप्लाई करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, उसका भी फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हीट सप्लाई का फॉर्मूला, इसको निकालते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की जो इक्वेशन होती है, क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। क्यू वन टू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, तो वन से टू के बीच में जो प्रोसेस हुई इसलिए हम वन से टू लगाया हुआ है। ये इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन, इसलिए हमने डेल यू को क्या लिख दिया, यू टू माइनस यू वन। वर्कडन भी क्या है, पाथ फंक्शन, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, वन से टू प्रोसेस के बीच में। अब हमने यहाँ पर वर्कडन का ये फॉर्मूला निकाला हुआ है, इसको हम सॉरी ये यहाँ पर निकाला हुआ है, इस फॉर्मूले को कहाँ रख देंगे हम, इस वर्कडन की जगह। जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला हुआ है ये वाला, इसको कहाँ रख देंगे, यू टू माइनस यू वन की जगह। इसके बाद पूरा इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन में दिख रहा होगा, हमने सिर्फ यू टू माइनस यू वन और जो वर्कडन है ये वाली वैल्यू, और इस वैल्यू को हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया इसकी जगह और इसकी जगह। इसके बाद यहाँ पर जो कॉमन चीज है, जैसे कि M कॉमन है, टी टू माइनस टी वन इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, सी बी बचेगा और R बचेगा, सी बी प्लस R बचा हुआ है। सी बी प्लस R की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं सी पी माइनस सी बी इक्वल टू क्या होता है, R होता। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना, सी पी ये क्या निकालना, सी बी प्लस R निकालना। सी बी कहाँ पहुंच जाएगी, इधर पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सी बी प्लस R हो जाएगा। सी बी प्लस R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओनली सी पी। इसकी जगह हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, क्यू वन सी टू इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। इस सी पी क्या है फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर के दौरान कितनी हीट सप्लाई की जाती है, इस फॉर्मूले से निकाल के हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स निकालेंगे चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन जो एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है वो सभी जानते हैं कि एंथैल्पी को एच से जनरेट करते हैं, तो एच इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस पीवी, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इन दोनों का जो भी प्लस होता है, जो भी ये होता हुआ है, क्या कहलाती है, एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस वन से टू है, तो हमने क्या लिख दिया, एच टू माइनस एच वन, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, यू टू माइनस यू वन, और क्या लिखेंगे, जो भी हमारा प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है उसको पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, यू टू माइनस यू वन की जो यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है उसको पुट कर देंगे, और पी टू वी टू की जगह पी वन वी वन की जगह क्या लिखेंगे, एम आर टी वन और एम आर टी टू। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें हमने क्या किया, यू टू माइनस यू वन की वैल्यू रख दी, फिर इसके बाद जैसे मैंने बताया पी वी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी, तो उसके पी टू वी टू है तो क्या हो जाएगा, एम आर टी टू, और पी वन वी वन है तो क्या हो जाएगा, एम आर टी वन। इनकी वैल्यू मैंने क्या यहाँ पर दिख रहा होगा रख दी है। इसके बाद इसको सॉल्व किया, मैंने क्या किया, इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ पर क्या है, एम सी बी और ए वाली वैल्यू दिख रही है, तो एम आर यहाँ पर दोनों में कॉमन है, एम आर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा टी टू और टी वन,
इसके बाद यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, टी टू टी वन है, इधर भी टी टू टी वन है, इसको मैंने एम टी टू टी वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जो ए प्लस नहीं रहेगा, इस तरह सी वी प्लस आर बचेगा। सी वी प्लस आर को हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सीपी माइनस सी वी इक्वल टू होता आर। अब यहाँ पर हमें सीपी की वैल्यू निकलेगी तो सीबी इधर पहुंच जाएगी, क्या हो जाएगा सीबी प्लस आर, सीबी प्लस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं सीपी, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो एस टू माइनस एस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी पी टी टू माइनस टी वन। तो फ्रेंड्स ये चेंज इन एंथैल्पी का भी फॉर्मूला आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।